सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही एकाएक चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी सुनने में आई है। एक और जहां जेवर के करीबी गांव थोरा में चोरों ने एक दुकान की छत तोड़कर एक ऑटो पार्ट्स और मैकेनिक की दुकान से औजार व नकदी पर हाथ साफ किया है, तो वहीं जट्टारी कस्बे में एक वृद्ध महिला के घर से बीते दिनों चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है आपका? कौन सा मोहल्लो? क्या वारदात हुई है? साढ़े 10 बजे की अंदाज, मुझे तो सो रही हूँ। जैसे मैं यहाँ खुली गाय तो तीन जने, एक दो तो भीतर घुसने, एक मम्मी चलो है। कुछ सामान वगैरह ले गए? कुछ ले गए भैया। क्या क्या सामान गए आपका? दो करा के ले गए मेरी हुए लच्छे, आध बाई टोड़िया, 35,000 रुपया चोरा ने कर ली दे, मोटरसाइकिल भी एक ही कर ले। और भी कुछ सामान है? और बुद्धि न गए सब सामान, बुद्धि ने खबर है काका सामान है, बुद्धि न गए में ले गए, मेरे में ले गए, दोनों तारे चोरे हैं। जेवर खुर्जा मार्ग से गांव थोरा की ओर जाने वाले रास्ते पर एक मैकेनिक की दुकान से चोरों ने छत तोड़कर सामान और नकदी चोरी की है। दुकान मालिक का कहना है कि पहले भी उसकी दुकान से दो बार चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं लग सका है। गांव थोरा, जिला गौतम बुद्ध नगर, मिस्त्री नवीन। नवीन की दुकान पर दोबारा से चोरी हुई है, तीसरी बार। और ये यहाँ से पट्टियाँ तोड़ी है तीसरी बार, यहाँ से सारा सामान भर लेंगे दुकान में से उठा के। ये सारी खाली रैक कर गए, महंगा महंगा सामान था सबको उठा के ले गए। ये स्कूटी है 21 मॉडल, इसके जो पार्ट से खुले हुए उन सबको ले गए इंजन को। इसके अलावा जट्टारी कस्बे से एक महिला के घर से नकदी व सामान चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर महिला और उसका परिवार सकते में है तथा प्रशासन से चोरों को पकड़ने की और सामान बरामद की गुहार लगा रहा है। और जाके सपोर्टी अगर नहीं देनी पड़ रही है ना। जेवर के गांव थोरा और जट्टारी से ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।